हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलते हैं कुछ वीडियो के साइड। गाइस, आज हम बनाने वाले हैं सूजी के लड्डू। तो इनका कुछ सामान देख लीजिए। ये मेरे पास है ना 1.5 कप सूजी है, बड़ा कप, उससे छोटा कप, और ये है 3rd नंबर का कप है जो हमारे पास। ये मैदा है 4 चम्मच खाने वाली, 1 कप घी है, कुछ ड्राई फ्रूट है, इसमें काजू है, बादाम है, किशमिश है, और ड्राई फ्रूट कुछ आप अपनी पसंद से भी ले सकते हैं। अब हमें ना गैस की तरफ चलते हैं। गैस हमने गैस जला दी, पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें मैं ये घी डाल दूंगी, इसमें सूजी डाल देंगे। साथ में ये मैदा भी डाल देंगे, इससे बहुत अच्छे बनते हैं। इसको एक सा कर देते हैं घी में। तो गाइस, इसको हमें ना एकदम कम गैस पर भूनना है, एकदम फ्लेम को कम कर लें, गैस को बिल्कुल हाई नहीं करें क्योंकि बहुत जल्दी जल जाता है। और इस तरह हमें तब तक भूनना है इसमें से एक हल्की सी खुशबू नहीं आ जाए। गैस अभी इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई है, हल्का सा धुआं उठ रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ड्राई फ्रूट है ना, मैं इसी में डाल दूंगी ऐसे ही, तो इसके अंदर है ना अच्छे से सिक जाएंगे साथ में। अलग से इनको तलना नहीं है, अगर आप तल के खाना पसंद करेंगे तो आप तल के अलग से डाल सकते हैं, हमें तो जैसे अच्छे लगते हैं। और लड्डू में ये बहुत सुंदर लगते हैं इस तरह सेकने से। बस ये मेरे पास कुछ मलाई है, इसमें मलाई डालेंगे पूरा फुल। ये बड़ी चम्मच है तो इससे एक ली है, इसके साइज़ की 2 चम्मच है उससे भी एक होता है, ये बड़ी वाली चम्मच है इसीलिए। और जो राइस वाली स्पून होती है ना वो मैंने, वो 2 डाल देना आप, लेकिन डालना ज़रूर है, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए मलाई तो कोई बात नहीं है, कम नहीं होनी चाहिए कि इसमें ना एक से मिल जाएगी ये। गैस इसको एक सा कर लेते हैं क्योंकि मलाई भी ना घी छोड़ देती है इसमें अंदर, क्योंकि जिसके पास खोआ नहीं होता है ना वो हमें ना मलाई की मदद लेते हैं। तो ये लड्डू बहुत शानदार बनते हैं। गैस इसका पहले कैसा कलर था, अब कैसा कलर हो गया है, अब एकदम ये बनने की फॉर्म में आ गया है। और इसने देखो कलर बहुत शानदार बदल दिया है, इसमें ड्राई फ्रूट भी अच्छे से सिक गए हैं। और ये फाइनली मेरी सूजी लड्डू के लिए तैयार हो गई है। मैं गैस के फ्लेम को बंद कर देती हूँ क्योंकि इस गर्म में ही हम शक्कर डालेंगे ना तो ये पानी छोड़ जाएगी, तो इसको हम ठंडा करते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे। गैस ये बड़े कप से मैंने ना इसी शक्कर ले लिए, इसे हम तगार बोलते हैं, लड्डू में तगार ही डलती है। अगर आपके पास घर में तगार नहीं है तो आप शक्कर को पीस के इसमें डाल सकते हैं। ये हल्का सा ठंडा हो गया, थोड़ा गुनगुना सा रहे तभी डालना है इसे हमें, क्योंकि इसमें शक्कर भी अच्छे से मिल जाएगी। और मीठा का तो ये है, आप जैसा खाना चाहते हैं वैसे डाल लें, नहीं तो 1 कप 1.5 कप सूजी के लिए ना 1 कप पर्याप्त है, शक्कर बहुत मीठी होती है। तो गाइस इसमें ना हमने शक्कर को बहुत अच्छे से मिला दिया है। तो गाइस ये थोड़ा हमारा अब सूखा सा है, तो आप सोचेंगे कि हम कैसे बांधेंगे लड्डू। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 कप ऐसे दूध लेते हैं, इसमें ना थोड़ा थोड़ा दूध मिला देंगे ताकि हमारे लड्डू है ना अच्छे से बन जाएंगे। दूध को रोक रोक के डालना है। तो गैस अब हम हाथ की मदद लेते हैं, देखती हूँ इसकी क्या पोजीशन है, दूध ये लेगा कि नहीं, इसको मैं बांध के देखती हूँ। थोड़ी दूध की ज़रूरत है,
इसमें मैं ये बचा हुआ दूध भी पूरा डाल देती हूँ। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हल्की सी गुनगुना सा है तो थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें, तो इससे लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। हल्का सा भी गर्म रहेगा ना तो हमने लड्डू है ना पूरे बिखर जाएंगे, बिल्कुल सेट भी नहीं होंगे। तो मुझे लग रहा है ये लड्डू है ना मेरे बनेंगे नहीं, क्योंकि हल्का सा ये गर्म है तो मैं इसको है ना 2 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने के लिए रखूँगी। तो गैस ये ठंडा सा भी हो गया है, 80 मिला रही हूँ, एक सा कर रही हूँ इसको। अब मैं इसको बांधते हैं, देखो कितनी शानदार मेवा सिकी है, दिख रहा है बादाम का भी कलर चेंज हो गया है। इसको ऐसे ही सेक लें, तलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें अच्छा से घी पड़ा रहता है। और लड्डू का आकार जैसा आप चाहे वैसा बना सकते हैं, थोड़ा दबा दबा के सेक वो बनाते हैं इस लड्डू को। तो गाइस ये मेरा लड्डू बनके तैयार हो गया है। हम है ना ऐसे ही सारे लड्डुओं को बांध लेंगे इस तरह दबा दबा के। हाँ तो हाथ का ज़्यादा प्रेशर देना है ना, लूज़ रखना है, जिस तरह हम नॉर्मल लड्डू बांधते हैं ना बस वैसे ही बनाना है। और इसकी सूजी झड़ती जाएगी झड़ती जाएगी तो उसी अपने आकार में आ जाएगा छोटे में। तो ये बन गए लड्डू, सारे लड्डू ऐसे बांध लूँगी। अगर आपको ना ये बांधते बांधते में अगर सूखा भी हो जाता है ना ये इसका सूजी का मटेरियल, तो आप इसमें हल्का सा पानी उसका दूध का छींटा और दे सकते हैं तो बहुत अच्छे से ये बन जाते हैं। तो गैस ये लड्डू है ना बहुत अच्छे से बने हैं और अच्छे से बन गए हैं। ये मेरा आखिरी लड्डू बना है, ये देख रहे हैं ना आप, मैंने सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। और गैस घर में मिठाई नहीं है तो हमारे घर में सूजी शक्कर तो रहती ही है, तो फटाफट सूजी ली। अगर सूजी आपकी थोड़ी सी मोटी है ना तो आप उसको ना मिक्सर में पीस लें और बस फिर लड्डू को बना लेते हैं। लेकिन मैदा मैंने इसीलिए डाला है, उससे क्या हल्का सा चिकनापन आ जाता है तो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं लड्डू। अगर आप मैदा नहीं डालना चाहें तो आप मैदा नहीं डालें, कोई बात नहीं है, लेकिन सूजी को बहुत बारीक पीस लें, लड्डू बहुत शानदार बनते हैं। और गाइस ये मेरे लड्डू बहुत मोतियों से चमक रहे हैं। गाइस मेरे लड्डू आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ आप मेरे लड्डुओं को लाइक करना, मेरे इन लड्डुओं को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बेल आइकन घंटे को प्रेस करना, तो मैं ऐसे ही मीठे मीठे लड्डू लेकर आऊँगी। टेक केयर। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको आप लाइक करना, मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ताकि मैं ऐसी वीडियो लेके आऊँ। टेक केयर।